बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो न्यू पोर्शन है, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो एनर्जी वाला है। हमारा ये जो न्यू पोर्शन है, इसमें हम एनर्जी और एंजाइम्स के अबाउट जो है वो पढ़ेंगे। तो हमारे इस पोर्शन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे है और हमने सिर्फ इधर समझना है कि एनर्जी क्या है। ये टर्म्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू स्पेस जो है वो आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क जो है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट कैन ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी सन से लेते हैं और उन्हें चेंज करते हैं इंटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को वो प्लांट जो है खुद यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी की बहुत ज्यादा फॉर्म जो है वो हो सकती है, जैसे कि हीट फ्रॉम अ फरेंस, साउंड ऑफ अ जेट प्लेन। ये जो है वो हमारे पास एनर्जी की बहुत ज्यादा फॉर्म है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ एनर्जी है। हमारे पास टू टाइप्स की जो है वो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और सेकंड जो है हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम किस तरह मेजर करते हैं? एनर्जी इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। एनर्जी को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं हीट प्रोडक्शन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो यूनिट्स फॉर मेजरिंग हीट, कि हम हीट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कौन से हमारे पास यूनिट है। तो दो यूनिट में हम हीट को मेजर कर सकते हैं, एक किलो कैलोरीज में और एक कैलोरी में। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्मोडायनामिक्स जो कि स्टडी ऑफ एनर्जी है, उसके दो लॉज हैं। एक हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकेंड हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, जैसे कि स्क्विरल है। स्क्विरल ईट्स नट्स, उसने नट्स खाए, एनर्जी ली, एंड देन दे यूज दिस एनर्जी क्लाइंब अ ट्री। और फिर उसने इसी एनर्जी को, जो नट्स खा के इसने एनर्जी लिया, उसने उसको यूज किया ट्री पे चढ़ने के लिए। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या स्टेट करता है? ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स टेंड टू बिकम मोर डिसऑर्डर एंड टोटल अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स इज कंटिन्यूली इंक्रीजिंग। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है नेचुरल गैस इज बर्न्ड इन स्टू। एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होती है। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन इनपुट एनर्जी टू स्टार्ट। बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको हमें इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है कि वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करें और आगे प्रोसीड कर सके। हमारे पास टू टाइप के जो है वो रिएक्शन आते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडरगोनिक रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच नेट रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ऐसे रिएक्शन जिसमें नेट एनर्जी जो है रिलीज होती है हमारे पास, नेट रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, उनको हम कहते हैं हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कंटेन मोर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के मुकाबले में रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। द अमाउंट ऑफ दिस एक्सेस एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। और रिएक्टेंट को जो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, उस अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी। ठीक है, और दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन, यानी कि ये जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन डैश एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने से पहले जो फ्री एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है देन एक्टिवेशन एनर्जी के।
These reaction occur spontaneously and called exergonic reaction. और exergonic reaction जो है वो spontaneously होते हैं, उनको हम exergonic reaction कहते हैं. Reactants को more energy चाहिए होती है than products के. इसके अलावा ये reaction जो है in which net release of energy take place होती है. Amount of excess energy जो हमारे पास आती है हम उसको free energy कहते हैं. और free energy is always greater than that of activation energy to required to initiate a reaction. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हमारे पास फ्री एनर्जी जो है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होती है देन दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये हमारे पास थे एक्सर्गोनिक रिएक्शन. अब आगे हम देखते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है. जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एंडरगोनिक रिएक्शन. एंडरगोनिक रिएक्शन कौन से है? द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी. सच रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन. प्रोडक्ट कंटेन मोर एनर्जी देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. एंडरगोनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट के. इधर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट जो है एक्सर्गोनिक रिएक्शन में हमारे पास जो हमारा एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो हमने देखा है उसमें रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. और एंडरगोनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्शन डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली. इसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जो है वो अकर नहीं होते. और हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अकर होते हैं. इसीलिए इनको हम एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं. और ये हमने जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में हमने देखा है टू टाइप्स की हमारे पास जो है वो रिएक्शन आती हैं, एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एक एंडरगोनिक रिएक्शन. जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स आती हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे या एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं. तो फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो हमारी क्या है, रिएक्शन रेट. व्हाट इज रिएक्शन रेट और डिफाइन रिएक्शन रेट. द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट सब्सटेंस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन रेट. रिएक्शन रेट हम किसको बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस जो हमारे हैं वो कन्वर्ट हो जाए, जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट सब्सटेंस में गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जितना हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है उसी के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट सब्सटेंस में चेंज हो जाए, हम उसको कहते हैं रिएक्शन का रेट है ये. ओके नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिसिस. व्हाट इज कैटालिसिस और डिफाइन कैटालिसिस. द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस. ठीक है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को किसी भी रिएक्शन के अंदर लोअर करते हैं, लोअर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस. व्हाट इज कैटालिस्ट. एनी सब्सटेंस दैट परफॉर्म कैटालिसिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट. हम हर उस सब्सटेंस को कैटालिस्ट बोलेंगे जो कि कैटालिसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, यानी कि लोअर कर देता है किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को और एक्सेलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शन को. एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट. द रिएक्शन प्रोसीड एट अ लोअर एनवायरमेंट टेम्परेचर व्हाइल लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा और हाई कर देगा, वो एक्सेलरेट कर देगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. कैटालिस्ट इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होते हैं. कैटालिस्ट जो है वो स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को. कैटालिस्ट इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन बट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. कैटालिस्ट ऑलवेज एंजाइम्स इन द सेल्स. और कैटालिस्ट जो है वो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये जो हमने अपना पोर्शन स्टार्ट किया था उसमें हमारे टॉपिक्स जो आ रहा था उसमें हमने जो है वो एनर्जी को देखा, एनर्जी की टू स्टेट्स को देखा है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को इस लेक्चर में देखा है और कुछ टर्म्स जो है वो हमने देखी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे. तो आप लोग इन्हें देखें, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो है वो एंजाइम्स के ऊपर है और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंजाइम्स पे बनेगी. एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, एंजाइम्स के कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो हमारी एंजाइम्स के ऊपर नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो होगी. और आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज